अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। सर आज कुछ गांजा और अवैध मादक पदार्थ पकड़ा गया है, क्या है? हाँ जी, थाना खातेगांव पर दिनांक 17/2/2024 को एक विश्वसनीय सूचना मिली थी मुखबिर के माध्यम से हमें कि तीन मोटरसाइकिलों में हरदा तरफ से तीन युवक हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल के पीछे कम्बल रख रखे हैं और उन कम्बलों के अंदर अवैध मादक पदार्थ गांजा होने की संभावना है। तो चूंकि मुखबिर की सूचना विश्वसनीय थी इसीलिए हमने हमारी टीम को सक्रिय किया और खातेगांव में पंचमुखी हनुमान मंदिर कन्नौद रोड जो है वहां पर हमारी पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर इन तीनों मोटरसाइकिल जो मुखबिर द्वारा बताई गई थी जब ये आते हुए दिखी इनको रोका गया और जब इसकी तलाशी ली गई तो इस पर तीन युवक राजेश पिता प्रेम सिंह बंजारा, ये पिपलिया व्यास ग्राम का रहने वाला है जिला नीमच का, अनिल पिता जगदीश बंजारा ये जूना मालाहेड़ा थाना मनासा जिला नीमच का रहने वाला है और कमल पिता बाबूलाल बंजारा ये भी जूना मालाहेड़ा थाना मनासा जिला नीमच का रहने वाला है। ये तीन व्यक्ति जो थे इनके पास तीनों मोटरसाइकिलों के पीछे जो कम्बल रखे थे उसमें स्कीम करके डबल बेड के जो कम्बल होते हैं उसकी एक तरफ से सिलाई इनके द्वारा ब्रेक की गई और उसके अंदर जो पैकेट्स होते हैं गांजे के वो पैकेट्स हमें अलग अलग मिले। इनसे कुल 80 किलो 400 ग्राम गांजा हमने जब्त किया अलग अलग, इसमें एक व्यक्ति से हमें 30 किलो 340 ग्राम, एक व्यक्ति से 24 किलो 60 ग्राम और एक व्यक्ति से 26 किलोग्राम गांजा मिला। ऐसे पृथक तीनों ही आरोपियों से हमारे द्वारा कुल 80 किलो 400 ग्राम गांजा जब्त किया गया है और तीन मोटरसाइकिलें भी इसमें जब्त की गई है। गांजे की कीमत करीब 5 लाख रुपये और 2 लाख रुपये कीमती मोटरसाइकिल है। इस प्रकार कुल 7 लाख रुपये का मशरू का मादक पदार्थ से जब्त किया गया। आज हमारे द्वारा इन तीनों आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश कर इनका पुलिस रिमांड लिया गया है ताकि इसके सोर्स का हम पता लगा सकें कि ये कहां से अवैध मादक पदार्थ इतनी मात्रा में लेकर आ रहे थे और कहां जा रहे थे, किसको डिलीवरी देने जा रहे थे।